बन्नी दुल्हन वो वहाँ क्या करवाएंगे युवान से, मुझे ना सोच के बहुत डर लग रहा है ऐसे तुक 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 तुक। कुछ नहीं है युवान, बहुत आसान है। वो जो डायरेक्टर साहब है ना, वो टोपी वाले, वो जो जो तारे से कहेंगे तारे को बस वही करना है। युवान, कि कभी चांद को घबराहट हो गए कि उसकी चांदनी में कोई कमी होगी या नहीं, या कभी सूरज को डर लगे कि उसकी किरणों में से रोशनी फैलेगी या नहीं, नहीं ना, तो फिर युवान को अपने संगीत का जादू चलने ना चलने का डर क्यों? थैंक यू बड़ी तुलन, तुम ना होती तो युवान तो क्या ही होता। युवान, पता है अब सब बदलने वाला, अब सिर्फ सब अच्छा ही होगा। और हमारे युवान के साथ अच्छा होता, देख बन्नी दुल्हन की आंखों में सिर्फ खुशी वाले आंसू आने वाले, बहुत सारे। डरो मत युवान, अगस्त्य ने हमारी माफी स्वीकार कर लिया और वो तो खास तारे से आज मिलने आए हैं। सच्ची? हाँ। आपने सच में हमें माफ कर दिया? थैंक यू सो मच। सच्ची अगस्त्य, आपको पता है हमें ना अगले दिन पता चला, वो बूढ़े अंकल आंटी उन्होंने बताया कि फिर। अच्छा युवान, हमें नीचे चलना चाहिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चले। एक मिनट युवान, जाने से पहले रामू भाई जी। जी। ये लो। हाँ। मीठी दही। अब नई शुरुआत होने जा रही है ना, तो कोई भी शुभ काम से पहले मीठा तो होना चाहिए। युवान, तुम्हें इस लड़की को ट्विल करना है, फिर उसे बाहों में लेना है। मैं बताता हूँ। श्रुति, करके बताओ। अनराउंड राउंड बैक। और युवान, कैमरे में देखे स्टाइल से अपना नाम बोलना है, ठीक है? ऐसे। समझ गए ना युवान? हाँ बनी दुल्हन, ये सब तो कह रहे हैं कि ऐसे 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 करना होगा, युवान थोड़ी कर सकता है ये सब। क्यों नहीं, युवान कर सकता है, हमारे को पता है। युवान घबराओ मत, थारी बनी दुल्हन है ना आटे, ऑल द बेस्ट। आप हमारे अठे मेहमान बनकर आयो और हमारे यहाँ मेहमान मुंह झूठा किए बिना नहीं जाते। ए, पास्ता बना है? तुमने मुझसे माफी मांगी और मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। बस फर्क इतना है कि मैं बोल के नहीं, अपने एक्शन से माफी मांगूंगा। देखो, तुम जानती हो कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे जाके इस कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ करना पड़ेगा। गाना गाना होगा, संगीत बनाना होगा, लोगों के सामने परफॉर्म करना, डांस करना, गाना एटसेट्रा। There's a lot of stuff. और बनी ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, इसलिए मैं युवान की मदद करना चाहूंगा, as his mentor of course. मेरा एक्चुअल प्रायश्चित यही होगा कि जिसकी मैंने कदर नहीं की, मैं उसको
उसको मेंटर करके इस कंपटीशन में उसकी उसकी मदद करूं। कट कट कट, एक और ट्राई करते हैं, अच्छा करोगे, ठीक है, करते हैं, रोलिंग, एक्शन। आपका घना घना आभार, लेकिन युवान के साथ उसका सबसे बड़ा सहारा उसके साथ है ना, उसकी बन्नी दुल्हन। मैंने बस कसम उठा ली कि मैं मारे युवान को इस प्रतियोगिता में जिता कर रहूंगी और ऐसा ही होगा। जैसा युवान गाना गावे है ना, जो संगीत बजावे है ना, उसके बाद तो उसे किसी और सहारे की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है। No offense, पर ये खाना बनाने जितना आसान नहीं होगा। अच्छा, किसने कहा कि खाना बनाना आसान है? ये तो हम औरतें इसे इतनी सरलता से निपटा लेती हैं कि मर्दों को लगता है कि खाना बनाना खाना खाने जैसा है। सॉरी सॉरी, देखो मेरा मतलब वो नहीं था। I respect all women. And हाँ, मैं मानता हूँ कि खाना बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना संगीत बनाना। फर्क बस जीभ और कान का है। कट! युवान! दस टेक हो गए, एक शॉट ढंग से नहीं दिया इसने। मैं अब शूटिंग नहीं कर सकती इसके साथ। प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखो, हम ना आपकी पेमेंट बढ़ा देंगे। हाँ। लेकिन अब हम शूट नहीं कैंसिल कर सकते। प्लीज ट्राई। पैसों के लिए पैर नहीं तोड़वाना मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मोना मोना प्लीज। कोई बात नहीं है। So sad. बेचारे रॉकस्टार युवान का तो स्टार ही टूट गया। आप क्या बिना लड़की के प्रोमो शूट कैसे करेंगे? अब लड़की तो है ना, बन्नी दुल्हन। हाँ, अब देखो ना बन्नी दुल्हन, वो लड़की तो चली गई, तो तुम ही कर लो ना मेरे साथ डांस। हाँ, हम दोनों डांस कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? नहीं युवान, ये हमारा प्रोफेशनल प्रोमो है और ये हमारे प्रोमो की मेन मॉडल, इसके बिना शूट नहीं हो सकता। अरे पर वो लड़की तो कह के चली गई ना कि मैं तो नहीं करूंगी। हाँ, तो फिर मैं और बन्नी दुल्हन ही कर लेते हैं। और सच बताऊँ, बन्नी दुल्हन और युवान ना बहुत अच्छे लगते हैं डांस करते हुए, और बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, है ना बन्नी दुल्हन? बताओ ना। ना ना युवान, ओ गॉड, ये तो अपनी वाइफ का पल्लू ही नहीं छोड़ता, उसके बिना एक स्टेप नहीं चलता, क्या करेगा ये कंपटीशन में? एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है? मैं और बन्नी दुल्हन डांस कर लेंगे। युवान की लाइफ बन्नी के बिना इनकम्प्लीट है, एंड वाइस वर्सा, तो प्रोमो में युवान के साथ कोई और लड़की तो हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से प्रोमो में बन्नी ही होनी चाहिए। कितनी ब्यूटीफुल कहानी है गाइस, कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है। एक डिवोटेड वाइफ अपने पति को उठा के आसमान छुआना चाहती है, युवान को रॉकस्टार बनाना चाहती है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से बन्नी ही प्रोमो में होनी चाहिए। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, और सच भी है, ये स्टोरी कैसे मिस कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली। हाँ, देखो सब बोल रहे हैं बन्नी दुल्हन, हम ही करते हैं, आओ। ना ना युवान, भारी से ना होगा, मैं ना करने वाली ये सब, आप लोग उन्हीं को बुला लो, मैं चल। बन्नी दुल्हन, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, ये डांस भी हम कर ही लेंगे, आओ ना। एक बात में समझ ले बेटा, युवान की कहानी जो है ना, वो बन्नी के बगैर शुरू ना हो सके। हाँ पर अगर सीजी बिल्कुल सही कह रहे, मान जा, मान जा, मान जाओ ना भाभी, कितनी यूनिक जोड़ी है आप दोनों की, साथ में रहोगे तो आग लगा दोगे। मैं समझ सक रही हूँ, पर आप लोग ऐसे ऐसे मिलकर जिद ना करें हमारे साथ, मैं ना कर पाऊंगी ये। वो जो लड़की अभी निकली है ना, उसी को समझा के वापस लेकर आओ ना, मैं जा रही हूँ। बन्नी दुल्हन, ये अगस्त भी ना कुछ भी बोले, और बाकी सब भी अपने दिल से सोच के फैसला ले रहे हैं। अरे कोई कोई दिमाग से सोचो ना, कुछ भी, मैं टीवी पे ना। बाबा आप, अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, इधर बैठो इधर बैठो। हाँ, आ जाओ, मैं अभी बर्फ लाती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ।
नहीं रुकिए, थोड़ा बर्फ लगाने से कम हो जाएगा। हाथ लाइए अपना। बाप रे, आपको हमारे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? लग गई ना। वो मैं तुम्हारी प्राइवेट स्पेस में नहीं आना चाहता था, बस बात जरूरी थी, सो आई जस्ट केम। कोई बात नहीं, देखो भगवान जी का शुक्र है कि कुछ कटा वटा ना है, कितने जोर से लगी थी। एक मिनट रुको, हाँ दवाई लेकर आऊं। दवाइयां दर्द के लिए, ये वाली गोली लेना, लो ना। नहीं, लो। लिसन, दिस इज, लो, इसे दर्द कम होगा। देखो इसकी जरूरत नहीं है, मैं ना इसे ले लो, अभी ले लो, दर्द कम हो जाएगा, पियो। ये क्रीम लगाते हैं, सूजन कम हो जाएगी। हाथ लाओ। तुमने ये हॉस्पिटल की ब्रांच खोल के रखी है क्या? ये तो बस युवान की दवाइयाँ हैं। ऐसे तो युवान ठीक है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो उसे रोज खानी है। ये बस। I understand. Look, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्रोमो शूट के लिए हाँ कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। अगर तुम युवान के साथ प्रोमो और पोस्टर दोनों में रहोगी ना, तो ऑर्गेनाइजर्स को मजबूरन तुम्हें उसके साथ रखना पड़ेगा हमेशा। और तुम जानती हो युवान अपनी ताकत तुमसे लेता है, अगर तुम वहां पे उसके साथ नहीं होगी तो उसे नहीं हो पाएगा, हिम्मत हार जाएगा। इसे कोई प्रॉब्लम या चैलेंज मत समझो, बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के हाँ कर दो। यो ठीक कह रहे हैं बेटा। दादो सा, हाँ कहते, तभी तो तेरा सपना पूरा होगा। खुशबू आ रही है बन्नी दुल्हन, और तुमसे ना बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच्ची। युवान, युवान, ऐसी कोई लाइन नहीं थी। सॉरी सॉरी, हम अभी करके दिखाते हैं, युवान करेगा। हाँ ओके, बिल्टिंग अगेन, एक्शन। युवान, 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 वेट, अभी अगस्त्य युवान बनेगा और मैं करके दिखाऊंगा। ओके, कम। युवान, ऐसे हाथ लिया। गए देन बेबी स्टेप्स। युवान, चलो करके देखो। ऐसे
जो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा युवान, आप एक बार फिर से करके दिखाएंगे? प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। ओके, थैंक यू। अब युवान की बारी। हाँ, मैं समझ गया। मैं एकदम सेम टू सेम और बहुत अच्छे से करूंगा। सच्ची थैंक यू। युवान, सॉरी। युवान, बच्चों की तरह नहीं, ग्रो अप मैन की तरह करो। देखो उसकी आंखों में, देखो गहराई से। फिर से लेते हैं, चलो एक्शन। उस बेवकूफ के साथ ऐसे टाइम वेस्ट किया मैंने। असल में तेरा काम तो इस बन्नी चाव ने कर दिया। ये बाबलो और मेन्यू कार्ड दोनों टीवी पे आएंगे। आना ही चाहिए। पति पत्नी के साथ और प्यार की मिसाल है दोनों। बेमेल नहीं, राम मिलाए जोड़ी है दोनों। Bro. हाँ, रूम में आ गया हूँ मैं। एक काम कर, युवान की दवाई बॉक्स से निकाल ले। इस मेडिसिन से युवान कंट्रोल में रहता है, ना दी जाए तो रिएक्ट करेगा और अपने आप इससे बाहर हो जाएगा। तब कोई उसे कंट्रोल में नहीं ला पाएगा। ऐसे ईगो बॉम्ब को जज बनाया किसने? होगा अच्छा सिंगर, लेकिन अच्छा आदमी तो नहीं है ना। शो में गलत फैसला लिया गया है। युवान सिंह राठौर इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेगा। परम कपूर ने तुम्हारे जैसे एक मामूली लड़के को ही अगस्त्य कपूर बना दिया। तुम्हारे जैसे सिंगर्स ना, ये गली मोहल्ले के जो ऑर्केस्ट्रा होती है ना, उसमें गाना गाते हुए नजर आ जाते हैं। और अगर मैं चाहूं तो उन्हीं में से किसी सिंगर को उठाकर तुमसे बड़ा रॉकस्टार बना सकता हूं। I'm sorry Evan, पर जीतूंगा तो मैं ही। तो मैं हारना होगा ताकि मैं अपने डैड को प्रूफ कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूं और बाकी लोग समझ सकें कि अगस्त्या ने युवान को इससे नहीं चुना बिकॉज वो ये रॉकस्टार कंपटीशन जीतना तो क्या उसमें पार्टिसिपेट करने के भी लायक नहीं है। यू आर अ गुड सिंगर बट यू कांट बी अ रॉकस्टार। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।